ओके गाइस, तो कैसे हैं आप सब गाइस। आज के इस वीडियो में दोस्तों हम बात करने वाले हैं Vivo V25e के बारे में। दोस्तों ये एक ऐसी डिवाइस है जिस फोन की आपको प्राइस भी इतनी ज्यादा नहीं देखने को मिलेगी, और आज के इस वीडियो में हम प्राइस भी जानने वाले हैं कि इस फोन की पाकिस्तानी मार्केट के अंदर, इंडियन मार्केट के अंदर क्या प्राइस होने वाली है और क्या स्पेसिफिकेशंस होने वाली है। लेकिन स्पेसिफिकेशंस बताने से पहले मैं ये जरूर कहूंगा कि यार ये अपनी प्राइस रेंज के अंदर सेटिस्फाई करता है और कमाल की परफॉर्मेंस दे रहा है। अब सबसे पहले दोस्तों Vivo V25e एक ऐसी डिवाइस होगी जिसके अंदर परफॉर्मेंस भी आपको अच्छी देखने को मिलने वाली है और साथ साथ दूसरी स्पेसिफिकेशन आपको टॉप नंबर देखने को मिलने वाली है। अब यहां पर दोस्तों बहुत ऐसे डिवाइसेस आपने देखी होगी। अब यहां पर देखिएगा कि यहां पर हमारे पास जो Realme की एक डिवाइस निकल के सामने आई थी उसके अंदर हमें कुछ स्पेसिफिकेशन थी वो इसी के अराउंड देखने को मिली थी और उस फोन की प्राइस हमें काफी ज्यादा देखने को मिली थी। लेकिन इस फोन के अंदर आपको स्पेसिफिकेशन भी अच्छी खासी देखने को मिलने वाली है और आपको प्राइस इसकी बहुत कम देखने को मिलने वाली है। और वीडियो को आखिर तक देखते रहना, इस फोन के बारे में आपके तमाम डाउट क्लियर कर दूंगा। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक कर देना। बाकी यहां पर बात करते हैं अब Vivo V25e के बारे में। दोस्तों इस फोन के अंदर आपको 6.44 इंचेस का फुल HD प्लस रेजोल्यूशन देखने को मिल जाता है और साथ ही दोस्तों इस फोन के अंदर आपको AMOLED पैनल देखने को मिलता है जो कि काफी अच्छी बात है। और यहां पर खास बात यह है कि इस फोन के अंदर आपको पैनल जो है वो काफी अलग देखने को मिलेगा जिसके अंदर क्वालिटी आपको बेहतर देखने को मिलेगी। लेकिन इतनी प्राइस के अंदर IPS LCD भी पैनल दिया जा सकता था, लेकिन यहां पर हमें Vivo की तरफ से ये AMOLED पैनल के अंदर देखने को मिल रहा है और साथ में जो रिफ्रेश रेट है वो आपको 90 हर्ट्ज का देखने को मिल रहा है। और यहां पर दोस्तों रिफ्रेश रेट और साथ में पैनल, हमें इनमें से एक ही चीज अच्छी देखने को मिलती है, लेकिन इन दोनों में से हमें दोनों चीजें ही अच्छी देखने को मिली है जो कि काफी अच्छी बात है। और इस फोन के अंदर आपको जो परफॉर्मेंस है वो भी दूसरे स्मार्टफोन से आपको अलग ही देखने को मिलेगी, मतलब इंप्रूव देखने को मिलेगी। अब यहां पर दोस्तों क्या है कि इस फोन के अंदर जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो एंड्रॉइड 12 का आउट ऑफ द बॉक्स देखने को मिलेगा, जिसके अंदर चिपसेट देखने को मिल रहा है वो हमें MediaTek Helio G99 का चिपसेट है जो कि 7 नैनोमीटर की टेक्नोलॉजी पर बेस है। जो कि अगर मैं बात करूं स्मार्टफोन के ग्राफिक्स की यानी GPU की, तो इस फोन के अंदर आपको देखने को मिल जाता है Mali G57 का, जो कि काफी अच्छी बात है। और इसके अंदर भाई आपने बहुत ऐसे स्मार्टफोन के अंदर देखा होगा जो चिपसेट MediaTek Helio G95 का भी देखने को मिलता है, लेकिन G99 का चिपसेट बहुत कम स्मार्टफोन के अंदर दिया जाता है। लेकिन आपको इस फोन के अंदर आपको गेमिंग परफॉर्मेंस अच्छी ही देखने को मिलेगी। आप यहां पर G95 के अंदर भी गेमिंग परफॉर्मेंस अच्छी ही ले सकते हैं, लेकिन इसमें आपको थोड़ी सी इंप्रूव देखने को मिलेगी। अगर मैं बात करूंगा रैम और मेमोरी की, दोस्तों इस फोन के अंदर आपको 8GB रैम के साथ देखने को मिलेगी 128GB, और साथ में यह भी बताया जा रहा है कि इस फोन के अंदर आपको 4GB का वेरिएंट भी देखने को मिलेगा, लेकिन वो अभी एक्सपेक्ट नहीं हुआ, लेकिन अभी 8GB के साथ 128GB वाला वेरिएंट ही एक्सपेक्ट है। बाकी अगर बात करें दोस्तों स्मार्टफोन की प्राइस और लॉन्च डेट की, तो दोस्तों इस फोन की जो प्राइस निकल के सामने आ रही है इस फोन की 45,000 के अराउंड पाकिस्तानी मार्केट के अंदर देखने को मिलेगा यह फोन, और साथ में इंडियन मार्केट के अंदर आपको 20,000 के अराउंड देखने को मिलेगा, मतलब 20 से नीचे ही देखने को मिलेगा ये फोन। और अगर बात करें दोस्तों स्मार्टफोन की लॉन्च डेट की, तो दोस्तों अभी अगस्त के बाद ये फोन लॉन्च किया जाएगा जो कि अक्टूबर के अंदर ये फोन आपको देखने को मिल जाएगा। अब यहां पर दोस्तों बात कर लेते हैं स्मार्टफोन के कैमरे वाइज की। दोस्तों इस फोन के बैक साइड पे आपको ट्रिपल सेटअप कैमरा देखने को मिल जाता है। इसका जो मेन सेंसर है वो आपको 50 मेगापिक्सल देखने को मिलता है, सेकंड आपको 2 मेगापिक्सल देखने को मिल जाता है, यहां पर थर्ड भी आपको 2 मेगापिक्सल है, लेकिन इसकी जो सेल्फी वो आपको 16 मेगापिक्सल के अंदर देखने को मिलेगी। लेकिन अभी सेल्फी के बारे में कोई एस्पेक्ट नहीं हुआ, कंफर्म नहीं हुआ कि कौन सी देखने को मिलेगी, लेकिन एस्पेक्ट यही किया जा रहा है कि इसके अंदर हमें 16 मेगापिक्सल देखने को मिलेगी। अब हमारे दोस्तों बात कर लेते हैं स्मार्टफोन के खास फीचर की, वो भाई बैटरी दोस्तों इस फोन के अंदर आपको 4050 mAh की देखने को मिल जाती है। लेकिन यहां पर बैटरी की तरफ से Vivo की तरफ से ये काफी मिस्टेक ही है कि जिस तरह मतलब बैटरी हमें 4500 या 5000 देखने को मिलनी थी, लेकिन चले 5000 नहीं भी हो रही थी, लेकिन 4500 होनी जरूरी थी, लेकिन यहां पर हमें 4050 mAh की जो कि बैटरी बहुत ही कम दी गई है, जो कि हमारा शायद एक दिन भी इजीली ना गुजर पाए। और यहां पर चार्जर अभी एक्सपेक्ट नहीं हुआ, बाकी अगर देखा जाए तो बैटरी वाइज हमें बहुत ही कम देखने को मिला, बाकी दूसरे स्पेसिफिकेशन से लगभग ये देखने को मिल रहा है काफी अच्छा सेटिस्फाई करने वाला होगा। और साथ में दोस्तों मुझे यही लगता है कि इस फोन के अंदर सिर्फ बैटरी ही ऐसा पॉइंट है जो कि बहुत ही वीक देखने को मिला, बाकी हर तरफ से अगर देखा जाए तो नो डाउट आपके लिए डिवाइस काफी बेस्ट होगी। बाकी उम्मीद करता हूं कि आज की वीडियो आपको काफी पसंद आई होगी, और वीडियो पसंद आई वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब। तो चलिए गाइस मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।